क्या मेरी बात समझ? जो बहुत सारे जनजाति के हैं, बहुत सारे जातियों के लोग हैं, जिन्हें जो स्तर मिलना चाहिए था समाज में, शायद वो अब तक नहीं मिल पाया। क्या मेरी बात समझ? तो समाजवाद बेसिकली क्या कर रहा है, जो समाज पर हाशिए पर खड़े लोग हैं उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए काम कर रहा है। और ये होगा कब? जब सामाजिक आर्थिक समानता होगी, है ना। बिना आर्थिक, आपको एक चीज बताई थी मैंने, आर्थिक सोशियो इकोनॉमिक रिपोर्ट बताया था, है ना। सामाजिक आर्थिक क्या मतलब होता है? इंडिया में सोशियो इकोनॉमिक कल्चर बहुत ज्यादा है, लोगों का सोशल स्टेटस, सामाजिक प्रतिष्ठा कई हद तक निर्भर करती है उनकी आर्थिक हैसियत पर। क्या गलत बोल रहे हैं? नहीं गलत बोल रहे हैं। अभी हम आए, हमारे मुझे प्यास लगी होती, या लेटर सपोज किसी घर गए तुम्हारे यहाँ से, तुमने एक कप चाय बनाई है ना, देने का तुम्हारा मन नहीं, मैंने कहा चाय पिलाओ, तुमने पिला दिया, लेटर सपोज मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसी समय तुम्हारे घर पर अंबानी जी आ गए। कौन आ गए? अंबानी जी, आकाश अंबानी, राधिका मर्चेंट, सब लोग आगे 12 कदम लेकर, मेरी बात सुनाई कि नहीं आई? और उन्होंने तुमसे एक कप चाय मांगा, मेरी बात सुनाई? अब मैं मेरे लाख मना करने के बावजूद तुम क्या करोगे? मेरी चाय छीन कर उन्हें? अरे झूठ बोलो, अरे बोलते कुछ और है लेकिन असल में दे दोगे, लगा दोगे मुझे असल, नहीं है। सुनो, रियलिटी में जियो, इमोशनल तो इमोशनल तो, अरे नहीं नहीं दूसरी मान लो हमारे पास इतने ही रिसोर्स है, लेट अस सपोज हमारे पास इतने ही, ये तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे नहीं, वो तो हरी बात नहीं, मान लो आ ही गए, ठीक है, खुद गए हमें डॉक्टर से तुम्हारे घर से, और तुरंत बोलते हैं उठते उठते कि चाय पिलाओ। अब तुम्हारे माँ, लेट अस सपोज उस समय ऐसा कुछ है कि एक ही कप चाय अवेलेबल है ना, एक ही कप चाय अवेलेबल बाई चांस उस समय, उस समय क्या करोगे मुझसे? अरे कुछ नहीं, आना था कैसे करोगे, झूठ नहीं बोलोगे। ये मैं तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि द इकोनॉमिक स्टेटस इन इंडिया डिपेंड्स, सॉरी, द सोशल स्टेटस इन इंडिया डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक स्टेटस आल्सो। इट मींस, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो तो मेरी बात, मैं ये बोल रहा हूँ कि भारत में सामाजिक प्रतिष्ठा क्या आर्थिक हैसियत पर निर्भर नहीं करती है? झूठ बोल रहा हूँ, करती है ना, तो झूठ बोला। अभी यहाँ से इच्छा आए आप बताऊंगा, कोई खड़े नहीं होंगे, लेकिन अभी हम मानी जी आ जाए, अरे झूठ बोल रहा पूरी बात सुनो, सही बात है, असली बात बोला, असली में सबक खड़े हो जाओगे एकदम, ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ लेने पड़ोगे, मेरी बात सुन भाई, असली बात बोलो तो बात हो पाएगी, है ना, नकली बात बोलोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। असली नहीं बात हो तो कहीं ना कहीं सुनो, हो सकता है अच्छा बहुत अच्छा इंसान लेकिन तुम्हें नहीं पकड़ा, मेरी बात हो सकता है कि कोई और भी आदमी बहुत बुरा इंसान, लेकिन तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम कहीं ना कहीं आर्थिक चीजों की ओर आकर्षित हो गई, तो बात झूठी नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ? जो आर्थिक हैसियत है किसी इंसान की, क्या वो भारत में सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय नहीं बन जाती है? बन जाती है ना, अरे बोलो, नहीं बनती है तो कहा इतना अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के आते हो, आगे घर पे कपड़ा पहनते ही हो जो घर वाला, मेरी बात आपके कहते क्यों नहीं होता क्या? क्योंकि तुम्हें बता रहा है कि आर्थिक प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है, मेरी बात सुनें, आर्थिक प्रतिष्ठा, आर्थिक हैसियत कहीं ना कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। और इंडिया की ये प्रॉब्लम नहीं, भारत में ये स्पेशल प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए इसीलिए जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उन्हें सामाजिक रूप से भी पिछड़ा समझ लिया जाता है या कर दिया जाता है। क्या मेरी बात सुनें? जो लोग आर्थिक रूप से हाशिए पर खड़े हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा धनोपार्जन नहीं किया, कहीं ना कहीं वो सामाजिक रूप से भी काफी पिछड़ रहे होते हैं। क्या मेरी बात समझ आ गई? अरे बोलो, तो अगर ऐसे लोगों को केवल सामाजिक समानता दे दोगे तो क्या उन्हें समानता आ जाएगी? नहीं, तुम्हें उन्हें क्या भी देना पड़ेगा? आर्थिक हेल्प देनी पड़ेगी, आर्थिक सहायता देनी पड़ेगी, ताकि वो लोग अपने पैर पर खड़े हो पाए। जब वो आर्थिक समानता को हासिल करेंगे तब उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी किसी तरह से, तब वो किसी तरह से समाज में प्रतिष्ठा पा पाएंगे। अरे बोलो, तुम नकली बात, तुमसे बात कैसे हो गई, समझ आ गया? लिखो जैसे संविधान समाजवादी स्वरूप, संविधान समाजवादी स्वरूप को अपनाता है, समाजवादी स्वरूप को अपनाता है, जल्दी लिखोगे एकदम बुलेट ट्रेन की तरह, ठीक है,
जो सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए निर्देशित करता है। जो सामाजिक जो हटा दो ऐसे ही ब्रैकेट नहीं सकते कोई बात नहीं, सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए निर्देशित करता है। भारत की प्रॉब्लम सोशल इकोनॉमिक है, केवल इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, क्या मेरी बात समझ? जो तुम एक चीज पढ़ते हो ना बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म का उदय, उसके उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी रहा है क्योंकि उस समय लोगों में बहुत सारे जो लोग हैं वो आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं लेकिन सामाजिक रूप से उन्हें वो स्टेटस प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उन्होंने नए धर्म की ओर जाना पसंद किया। क्या मेरी बात समझ? चलो इतना पढ़ लिया, कोई दिक्कत तो नहीं होती है। देखो ये समाज कल्याण समाज कल्याण देखो समाज कल्याण समाज कल्याण लिखा समाज कल्याण लिखो जैसे संविधान में सामाजिक न्याय और कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समाज में संविधान में सामाजिक न्याय और कल्याण को संविधान में सामाजिक न्याय और कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई सारे प्रावधान लिखे गए हैं, कई सारे प्रावधान लिखे गए हैं कई सारे प्रावधान लिखे गए हैं उदाहरण के लिए उदाहरण क्या आरक्षण की व्यवस्था पूरा लिखवा दे नहीं पूरा मत हो, कहीं भी अगर आरक्षण हो रहा है तो उस आरक्षण होने का कारण ही क्या? महिलाओं की आरक्षित है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों में बहुत सारी सीटें आरक्षित है क्योंकि ये वो वर्ग है जो कि समाज में आश्रय पर खड़े थे। जिस तरह से मुख्य धारा में इन्हें अंगीकृत या एकीकृत किया जा रहा था उस तरह से अभी तक नहीं हो पाया। क्या मेरी बात सुन रहे? क्योंकि ऐसे आरक्षण की व्यवस्था ठीक है अगला अच्छा हो गया ना ठीक है। एक लास्ट टाइम लिख लीजिएगा कितने पॉइंट्स हो गए तो 16-17 हो गए ना 18 पॉइंट ठीक है बहुत अच्छा हो गया। देखिए अगला लास्ट लिख दीजिए जल्दी से एक लाइन लिखिएगा यह भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो इसे एक विस्तृत कॉमा लचीला एवं कठोर ब्रैकेट लिखेगा संतुलन कॉमा और समय के साथ अनुकूलित होने वाला दस्तावेज बनाती है। समय के साथ अनुकूलित होने वाला दस्तावेज बनाती है। ये ना केवल भारतीय लोकतंत्र की स्थापना के लिए बल्कि साथ ही साथ सामाजिक समाज की संरचना
समाज की संरचना कॉमा मूलभूत आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं संरचना कॉमा मूलभूत आवश्यकताएं और विकास में विकास की पूर्ति में सहयोग करती है, विकास की पूर्ति में सहयोग करती है। अगर स्टेटमेंट को शुरू कर देगा तो सही कर लीजिएगा अपने आप से, ठीक है। विकास की पूर्ति में यानी कि आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगा, है ना, सामाजिक विकास भी हो जाए, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। अब हम आज का करेंगे प्रस्ताव का, हाँ सर, स्वायत्ता मतलब क्या होता है, ऑटोनॉमी। स्वायत्ता मतलब होता है कितना ज्यादा आप उसे देखते हो तो संप्रभुता, ठीक है। स्वायत्ता संप्रभुता से थोड़ा सा अलग है, संप्रभुता आपको ले ली गई, फॉर एग्जाम्पल कैसे बताएं, कठिन ऐसे बताना, इस तरह से स्वायत्ता यानी कि किस हद तक आप जो है वो कोई डिसीजन कोई निर्णय ले सकते हैं। जैसे संप्रभु आप नहीं है, कुछ हद तक आप संप्रभु है, अपने समय से आ रहे हैं, अपने समय से जा रहे हैं, बीच में क्लास करने का मन नहीं कर रहा तो पानी पीने चले जा रहे हैं, मेरे पास नहीं, आप संप्रभु है कि नहीं है, समझ आ रहा है। लेकिन अब एक स्तर तक ही संप्रभु है ना, एक स्तर से ऊपर नहीं हो सकता। तो बहुत ये अगर आप ऐसा करने लगे, कुछ भी यहाँ पर करने लगे, सीट पे इस पे बैठ गए, पढ़ाई की जगह कुछ और कर रहे हैं, क्या मेरी बात सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, तो वह हो गई आपकी जरूरत से अलग स्वायत्ता। तो स्वायत्ता नहीं कि किस हद तक किस स्तर तक आप पर नियंत्रण, मेरी बात सुन रहे हैं, किस हद तक आपको स्वतंत्रता दी गई है, क्या क्या निर्णय आप लेने में सक्षम है, वो स्वायत्ता दिखाती है, ठीक है, ऑटोनॉमी दिखाती है, समझ रहे हैं कुछ। अभी एक बार बात करेंगे स्वायत्ता की, परेशान मत होइए। और कुछ किसी कोई क्वेश्चन कोई डाउट, प्रस्तावना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रस्तावना बताइए, याद है किसी को, सामने लिखा है, देखो पढ़ दो ना, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से प्रियाला भी बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा लिखेंगे पहले इतिहास के बारे में, थोड़ी दो चीजें तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन पहुंचा आप लोगों को लिखेगा सर, ये पता है हमें प्रस्तावना कैसे आई, क्यों आई, पहले आया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, याद है ना, उसके बाद बना संविधान और सबसे अंत में आ रहा है प्रस्तावना प्रियाला, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो प्रियांगल असल में उन्हीं सारे मूल्यों उन्हीं सारे आदर्शों के आधार पर बना है जो उद्देश्य प्रस्तावना में उल्लिखित, कहीं ना कहीं उद्देश्य प्रस्तावना का ही निचोड़ प्रियांगल में दिखता है, कुछ अधिक ही चीजें लिखती होंगी, उससे कम चीजें नहीं लिखती, पहली बात। लेकिन क्या संविधान का हर एक मूल्य, क्या संविधान की हर एक बात, हर एक विशेषता क्या प्रस्तावना में उल्लिखित है या उल्लिखित हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि तो संविधान में तो बहुत सारे मूल चुके हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यह भी हमारे संविधान की विशेषता है, पढ़ा था आप लोगों ने, है ना, और ये भी एक खास मूल्य है कि न्यायपालिका स्वतंत्र होना चाहिए किसी भी तरह से विधायिका या कार्यपालिका का, कार्यपालिका के अंडर में नहीं होना चाहिए, उनके निर्देशों का अनुपालन न करना, क्या मेरी बात सुन रहे, इस तरह की न्यायपालिका हो, इतनी स्वतंत्र हो कि जरूरत आने पर अगर कुछ गलती हो रही हो विधायिका से या कार्यपालिका से तो उसे करेक्ट कर सके, उसकी मिस्टेक को देख सके, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा का अधिकार ही तो है कि अगर कार्यपालिका या विधायिका से कोई गलती हो रही है तो न्यायपालिका क्या कर सकती है, सर्वोच्च अदालत क्या कर सकता है, खुद से ही समीक्षा कर सकता है किसी बिल की या उस कानून की, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक बहुत इंपॉर्टेंट मूल्य है, सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि संविधान में क्या लिखा हुआ है ना, संविधान के आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है, उनका क्या मतलब निकलता है, ये कौन बता रहा है, लक्ष्मीकांत या सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बता रहा है, लक्ष्मीकांत हम लोग तो बस ऐसे देख के बोल रहे, लेकिन बता कौन रहा है, सुप्रीम कोर्ट बता रहा है,
क्या मेरी बात सुन रही? अरे बोलो, समझ में आ गया? तो बहुत सिंपल सी बात है ये, और ठीक है, ये तो करवा दिया, समझा दिया मैंने, ठीक है, लिखना स्टार्ट करिए, कुछ आधा का दबाव होगा, लिखिए तो बोल रहा था, बोल गया, अभी आया दोबारा, लिखिएगा परिचय, लिखिएगा परिचय, इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, प्रीएम्बल, परिचय लिखिए, ठीक है, जल्दी से लिखते हैं, इसे डैश में लिखिए संविधान की आत्मा, इसे संविधान की आत्मा माना जाता है, संविधान की आत्मा, आत्मा समझते हो ना? किस घर में आत्मा का वर्णन नहीं, कौन से लोग जानना होगा बताओ, जैन में तो बोलते हैं इसमें भी आत्मा है, जैन में तो बोलते हैं कवर कर दिया, दो आत्माएं हो गई, जैन वाले बोलेंगे समझा, जैन में बोलेंगे ये है बॉटल है ना, ये एक आत्मा, ये भी दो आत्मा, तो बोलेंगे चार आत्मा, मेरी बात समझ नहीं है, वो नॉन जो नॉन लिविंग थिंग्स में भी आत्मा मानते हैं, एकदम ही उल्टा बोल दिया, बुद्धिज्म में बहुत धर्म में शुरुआत में शुरुआती काल में उसने आत्मा के बारे में कुछ नहीं कहा, उसने आत्मा के बारे में मानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज का एक क्वेश्चन समझा, 2018 में ये क्वेश्चन आया था, नोट करते आपको पहुंच गया, भूल गया बेटा कि बौद्ध धर्म में आत्मा के बारे में नहीं है, जैन धर्म इसका किस तरह से विपरीत है कि जैन धर्म में हर एक चीज चाहे नॉन लिविंग क्यों ना हो, चाहे अजीवित या निर्जीवी क्यों ना हो, उसमें भी आत्मा के बारे में, ठीक है, चलो उसके आधार से संविधान की आत्मा, अब ये नहीं बोले कि संविधान में आत्मा बोले तो जैन धर्म से प्रेरित हो गए, ठीक है, चलो देखो संविधान की प्रस्तावना, संविधान की आत्मा नहीं आती है, इसमें इसमें संविधान के सारे मूल्य, कॉमा उद्देश्य और मुख्य आदर्शों का सार, मुख्य आदर्शों का सार, इसमें इसमें संविधान के मूल्य, कॉमा आदर्श, कॉमा उद्देश्य और मुख्य आदर्शों का सार है, साथ ही साथ या संविधान के मूलभूत ढांचे या संविधान के मूलभूत ढांचे और लक्ष्यों और लक्ष्यों की संविधान सभा द्वारा लक्ष्यों की स्पष्ट अभिव्यक्ति है, संविधान सभा द्वारा स्पष्ट अभिव्यक्ति है, जब हमने इतना बड़ा संविधान लिख ही दिया तो क्या मुझे प्रस्तावना लिखने की, अरे तुम लोग उसी पढ़ते रह जाते हो, लक्ष्यों की स्पष्ट अभिव्यक्ति है, ठीक है, संविधान सभा द्वारा लिख देना होगा बीच में, संविधान सभा द्वारा लिखी गई ना, तो संविधान सभा द्वारा मूलभूत ढांचा क्या है, लक्ष्य क्या है संविधान का, उसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति है, ऐसा क्यों बोला गया मैं दोबारा बता रहा हूँ, पहले ये बताओ कि प्रस्तावना लिखी क्यों, क्या कर रहे हो, सही बात है, बात तो वही जो मैंने बोली थी, और भी ट्राई करो, सही बात है, बात एकदम सही है, और थोड़ा अलग अपने अपना भी अप्रोच रखो थोड़ा सा, हाँ ठीक है, वेरी गुड, साथ दिया हुआ, और क्यों, अच्छा जब इतने सारे आर्टिकल्स लिख ही दिए गए थे है ना, देखो उसमें क्या है, जो यूएस का संविधान है उसमें कितने आर्टिकल्स बोले, सात, और हमारे कितने आर्टिकल्स, बताओ भाई शर्मिंदा, क्यों शर्मिंदगी क्यों महसूस कर रहे हो, 465 है वो, सात है उनका देश ऐसे चल रहा है, वो सेवन सात समझते हैं, लिखी आती बात है समझे, हम कितने 465 के आसपास, 470 के आसपास, समझ रहे हो कितना है, गुने में भी पता नहीं कितना है, पता नहीं कितना गुना है, मेरी बात सुनाई, तो एक बात तो सही है कि सार लिखा गया, एक बात और भी है कि बाद में शुरुआत में तो बोलते हैं सार लिखा गया,
बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज किया है कि आखिर प्रस्तावना लिखी ही क्यों गई, क्या कारण था। जब संविधान लिख दिया है तो केवल कॉपी पेस्ट छोड़ना है, हर जगह की चीजें एक में लग रहा है। हमारा संविधान चुराया हुआ संविधान है नहीं है? अरे लगना चाहिए, सब सारे आर्टिकल्स हैं थ्योरी के। फिर नहीं बुलाओगे पुलिस बताओ इसलिए क्या, किन किन को लगता है हमारा देश, हमारा संविधान जो है वो चोरी का संविधान है, चोरी किया गया नहीं चुराई हो? नहीं लिया गया कि नहीं लिया गया? लिया गया, पूछ के लिया गया है, पूछ के लिया गया है, उनकी मर्जी से नहीं पूछ रहा है। बहस हुई है ऐसे नहीं लिया, चोरी किया गया नहीं है, नहीं बोल सकते। हालांकि चोरी किया गया है थोड़ा सा है, लेकिन नहीं बोलेंगे ऐसा, क्यों नहीं बोलेंगे समझो मेरी बात, क्योंकि बहुत अच्छा पॉइंट बोला, बहस की गई है मेरी बात समझ। हर एक आर्टिकल 60 दुनिया के 60 बड़े संविधानों को पढ़कर और उनके उनमें दिए गए प्रावधानों, उनमें दिए गए अनुच्छेदों पर बहस करके और वहां के सामाजिक परिदृश्य के अनुसार वो अनुच्छेद लिखे गए हैं वो समझकर और यहाँ पर वो फॉलो हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, भारत में क्या वैसा समाज है कि फॉलो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यह समझते हुए उठाएंगे, क्या मेरी बात समझ। तो नकल तो है, लेकिन नकल के लिए भी क्या चाहिए? अकल चाहिए, शकल कौन बोल रहा है, अकल चाहिए, क्या मेरी बात समझ। नकल के लिए भी अकल चाहिए ना, ठीक है, तो नकल है वो चीज, ये बात सही है, लेकिन अकल लगा के नकल की गई है ना। ऐसे ही नहीं कोई भी आर्टिकल कहीं से उठा लिया, कोई भी आर्टिकल कहीं से उठा लिया, यूएस के संविधान में प्रीएम्बल लिखा है, हमने भी प्रीएम्बल लिख लिया, अरे उन्होंने लिखा चलो हम भी लिखेंगे, तो पड़ोसी का पटीदारी का चल रहा है क्या है? नहीं चल रहा है ना, कि उन्होंने एटलस साइकिल खरीदी और हम भी लेडी बर्ड खरीदेंगे, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है ना, तो फिर क्यों कर लिया? ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया है कि आगे आने वाले समय में हो सकता है, आगे आने वाले समय में हो सकता रहा होगा और लगता रहा होगा संविधान सभा को कि कभी संविधान को पढ़ के किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो। मेरी बात समझ, कभी भी संविधान को पढ़ के, क्योंकि इतना बड़ा संविधान है, कंफ्यूजन होगी किस मूल्य का क्या वरीयता है ना, किसकी वरीयता ज्यादा है, किसकी वरीयता कम है, कई सारे मूल्य और आदर्श लगा दिए। मेरी बात समझ, मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम्हारा आईएएस का अंतिम इंटरव्यू है, लेट अस सपोज है ना, तो 90 साल से जो भी तुम्हारा अंतिम अटेम्प्ट होता है वो तुम अटेम्प्ट देने जा रहा हो, तुम्हारा हो गया मेन सेल्स इंटरव्यू में जा रहा हो है ना, तुम्हारे घर की आखिरी उम्मीद है वो, क्या मेरी बात समझ। और उसी समय दो लोग का एक्सीडेंट हो जाए तुम्हारे सामने, तुम्हें लगे कि तुम ही वहां पर प्रेजेंट हो, अगर तुम उन्हें हॉस्पिटल नहीं पहुंचाओगे तो उनकी तो जान चली जाएगी, एकदम पूरा एकदम छत पर छत माहौल, ऐसे में क्या होगा? लोग कुछ का क्वेश्चन जान बचाओ किसी अपनी उसकी अपना इंटरव्यू छोड़ दोगे, इसका मतलब आईएएस की जॉब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एम्बुलेंस को आने तक में टाइम लगेगा, आने जाने टाइम लगता है ना, यही पूछा जाता है। किस नाम सुना है तुम लोगों ने, पेपर नंबर 4 नाम सुना है कि नहीं सुना है, उसमें यही क्वेश्चन आता है, और भी ड्रामा करके बोलेगा, कैसे ड्रामा करेगा, आपके आपके घर पे 1 करोड़ रुपए का लोन है, आपका घर बिक चुका है ना, घर वाले पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, मेरी बात समझ कि नहीं, आपका ये अंतिम इम्तिहान है, अंतिम पेपर है, इसके बाद आपके जीवन में कुछ नहीं बचा है, आपकी बीवी छोड़कर भाग गई है, आपका बच्चा जो है दूसरे को पापा पापा बोलने लगा है, मेरी बात समझ। अब ऐसे परिदृश्य में आपका अंतिम इंटरव्यू है, मेरी बात समझ, उसमें आप लेट नहीं हो सकते, अगर ही तो सामने दो लोग का एक्सीडेंट हो गया, सिर फट गया, अरे आसपास कोई है ही नहीं, दोनों तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये भी दिया हुआ है दोनों को दिखाई नहीं दिया है, और आपको अगर एम्बुलेंस आके बहुत समय लग जाएगा, ये बहुत अच्छा बात है, आज तक इतने सारे क्लास में क्वेश्चन पूछा लेकिन ये जवाब कभी नहीं मिला था कि आखिर मतलब जा ही क्या, वो भी मेरे एग्जाम वाले दिन आखिर मेरे इंटरव्यू जाने की जरूरत ही क्या थी, वो
वो मरने की कगार पे आई क्यों गए? सोच के बता ना, एथिक्स में क्वेश्चन आता है और डिसीजन मेकिंग यानी कि सीसैट के पेपर जो आता है सेकंड वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन आता है। सुनो, तुम लोग सोच के आओगे जो मैंने परिदृश्य बताया है, जैसा एथिक्स करना शुरू कर दो। सुनो, पेपर टू में भी आता है सीसैट वाले पेपर में, यूपी पीसीएस में तो स्पेशली आता है, आपको पता ही होगा यूपी पीसीएस में सेकंड वाले पेपर में स्पेशली आता है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता। और जीएस पार्ट फोर में तो इस तरह के वेल इलाबोरेटिव क्वेश्चन रहेंगे, और इसके बाद इन दोनों से उभर गए इंटरव्यू में पहुंचोगे तो एक क्वेश्चन ये रहेगा ही रहेगा। एक क्वेश्चन आपके व्यक्तित्व को चेक करने का होता ही होता है कि आपका परम मित्र है ना, आपने और उसने एक ही टिफिन में भोजन किया है, मेरी बात सुनाई? आप रोटी नहीं ला पाते तो वो रोटी ला देना, मेरी बात सुनाई कि नहीं है? खुद को भूखा रख के आपको बड़ा पाव खिलाया है, मेरी बात सुनाई कि नहीं? आपका परम मित्र है, और ऐसे परम मित्र के चौपर चोरी का इल्जाम लग गया है, आप आईएएस ऑफिसर, आप क्या करें? मेरी बात में ऐसे ऐसे परिदृश्य देखे पहुंचता है क्वेश्चन, ऐसे फंस जाओगे, मित्रता में हार लगोगे तुमको, है ना? परम मित्र, अरे इमोशनल हो जाओगे, अरे भाई बहुत अच्छा है, एक बार वार्निंग देके छोड़ देंगे। अब जैसे तुमने बोला एक बार, वो एक ऑप्शन ये भी देगा तुम्हारे इमोशंस को चेक करेगा कि तुम्हारे ऊपर लॉजिक भारी है या इमोशंस भारी है। मेरी बात सुन नहीं, क्या तुम खुद के इमोशंस को दूर रख के क्या न्याय की बात कर सकते हो? क्या तुम खुद के भावनाओं पर नियंत्रण रख के? और कठिन क्वेश्चन रहेगा, आपकी माता पिता में से कोई है, लेट अस सपोज आपकी माता है ना, आपको अच्छे से पाली है, लेकिन किसी बाई चांस ऐसी अन्य परिस्थितियां होंगी कि किसी तरह से किसी अन्य इंसान ने उन पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और आप आईएएस अधिकारी आपके सामने मामला आ गया, तो अब क्या होगा? ऐसे ही फंसाता है, आपका अंतिम भाई है, आपका पूरा परिवार कहीं कुछ हो चुका है और आपका अंतिम भाई बचा हुआ है ना, उस पर चोरी का इल्जाम लग गया, उसको मर्डर का इल्जाम लग गया, आप क्या करेंगे? हाँ, जांच कराएंगे, इमोशन में नहीं आ जाएंगे कि भैया है ना, चला जाएगा अंदर, तो राखी से बांधेंगे। मेरी बात सुन रहे, ऐसे ही फंसाने वाले क्वेश्चन देता है जीएस फोर, मेरी बात सुन रहे? चलो दोबारा इस पॉइंट पर आ रहे हैं, इस पॉइंट से ही निकले हैं, मेरी बात सुन रहे? कुछ अलग नहीं बता रहा, इसी पॉइंट से निकले हैं कि अगर मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम किसे वरीयता दोगे, क्या तुम न्याय के साथ रहोगे या भावनाओं के साथ रहोगे? न्याय के साथ रहोगे, बोलते रहो, बोलते तो बहुत अच्छा तुमको, मेरी बात सुनाई? अभी आकाश मैं से कंपेयर भी कर दिया आपका, मुझे पता क्या ही है वालों के साथ, लेकिन कहना तुम्हें यही बोल रहा, मेरी बात सुनिए क्या कहना है? न्याय के साथ रहेंगे, क्या मेरी बात क्लियर है? फेयरनेस के साथ रहेंगे, जस्टिस के साथ रहेंगे, क्या मेरी बात सुनाई? करो चाहे कुछ भी, लेकिन बोलना ही नहीं है, ठीक? तो यानी कि विरोधाभास परिस्थितियां क्या हमारी लाइफ में नहीं आ सकती है? क्या आईएएस आईपीएस अफसर के जीवन में नहीं आती है? आती है विरोधाभास परिस्थितियां। ऐसे में कौन से मूल्य ऊपर रखे जाएंगे और किन मूल्यों की वरीयता थोड़ी सी नीचे रखी जाएगी? मेरी बात समझ? यह बताता है कौन? प्रस्तावना कब बताता है? जब सुप्रीम कोर्ट को किसी निर्णय देने में किसी तरह की परेशानी या किसी तरह का विरोधाभास का सामना करना पड़ता है। क्या मेरी बात समझ आ गई? जब सुप्रीम कोर्ट को कोई निर्णय देते समय किसी तरह के विरोधाभास का सामना करना पड़ेगा, तो ऐसे में वो बार बार क्या पढ़ेंगे? प्रस्तावना पढ़ेंगे, प्रस्तावना का रट्टा मारेंगे और यह निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे कि इसे मूलभूत ढांचे का हम मानते हो, इस प्रस्तावना को मूलभूत ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर बताया था ना, इतनी थोड़ा सा आइडिया देगा, अभी आगे बात करेंगे उसके बारे में, अभी बस इस तरह याद कर लो कि इसे इस प्रस्तावना को मूलभूत ढांचे का अंग मानते हैं, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही है? और इस मूलभूत ढांचे का अंग जैसे है ये, उसके अनुसार किन मूल्यों के किन आदर्श की ज्यादा वरीयता है, किन की वरीयता कम है ना, वो डिसाइड करेंगे अगर कभी विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्या मेरी बात समझ? तो ना केवल यह प्रस्तावना है ना उद्देश्यों को संकल्पों को दिखाती है, साथ ही साथ विरोधाभास की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को भी गाइड करती है। क्या मेरी बात सुनने आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि किन मूल्यों का क्या वरीयता क्रम, कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरी बात सुन भाई, चलो इसे नोट कर लिया, नोट कराए कुछ क्या नोट कराए, अभी इस बात को लिखवाना पड़ेगा भाई।
समझा समझा स्पष्ट हो गया ठीक है। ऐतिहासिक प्रश्न होगी ना ऐतिहासिक इतिहास के बारे में पूछ के ना ऐतिहासिक प्रश्न होगी हल्का सा एक दो लाइन लिखो जैसे लिखो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पृष्ठभूमि लिखो संविधान सभा की अंतिम बैठक 26 सितंबर 1949 को हुई संविधान सभा की अंतिम बैठक 26 सितंबर 1949 को हुई जिसमें भारतीय संविधान को अपनाया गया जिसमें भारतीय संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे प्रभाव में लाया गया। अब ये चीज जानने दो, इस चीज को हम लिख चुके हैं एक बार, ठीक है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु, ठीक है, संप्रभु इसे किसी को बोलते हैं, तो भारत को एक संप्रभु समाजवादी तंत्रनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझो मेरी बात। ऑर्डर देखो, ऑर्डर क्रम किस क्रम में है, संप्रभु फिर समाजवादी फिर तंत्रनिरपेक्ष फिर लोकतंत्रात्मक फिर गणराज्य, मेरी बात में ऑर्डर समझ गए, इसे इसी ऑर्डर में याद रखना है, इसका ऑर्डर भी क्रम भी एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है कि किसके बाद क्या आता है, क्या मेरी बात क्लियर है, तो इसे इसी ऑर्डर में याद रखना है, ठीक है, संप्रभु उसके बाद समाजवादी फिर तंत्रनिरपेक्ष उसके बाद, मतलब मैंने ऐसे इंग्लिश में याद किया सो से डरो करके, ठीक है, सो यानी कि सॉवरेन फिर सोशलिस्ट फिर सेकुलर फिर डेमोक्रेटिक फिर रिपब्लिक, तो सोचो से डरो करके याद कर लिया, आप अभी कोई तरीका बनाओ याद कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये सारे जो चीजें ऊपर दी हुई है क्या लिखा हुआ है, भारत को ये बनाना है, भारत को बनाना है कि उद्देश्य सामने है हमारे, भारत एक संघ के रूप में, भारत का संविधान या भारत की कानून एक संघ के रूप में कैसे होना चाहिए, पूरे भारत कैसा होना चाहिए, एक संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये एक तरह के 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं भारत को बनाने के लिए, 5 ना कि 6 1 2 3 4 5 ना, याद रहेगा ये 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं भारत को ही बनाना है जिसके लिए संविधान लिखा गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अगर कोई पूछे भारत को क्या बनाने के लिए संविधान लिखा गया, तो ये बनाने के लिए लिखा गया, और नागरिकों को क्या बन रहा है, नागरिकों को क्या दिया जा रहा है संविधान से, या क्या चेष्टा कर रहा है संविधान की नागरिकों तक क्या पहुंचे, तो नीचे उसके बारे में बात लिखी हुई है, तथा उसके समस्त नागरिकों को 3 तरह की चीजें दी है संविधान की प्रस्तावना के अनुसार, नागरिकों को 3 तरह की चीजें कौन कौन सी है, पहला तो दिया है न्याय, न्याय में कितने तरह के, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, ये अलग अलग नोट करना पड़ेगा, 3 तरह के न्याय कौन कौन से, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, चौथा भी दिया रहेगा उसमें कोई ऑप्शन है, मेरी बात सुनाई, तो तुम्हें याद होना चाहिए, और किस ऑर्डर में है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं आर्थिक वाला आगे लिख दिया, तो सामाजिक वाला आगे लिखा हुआ, क्योंकि सामाजिक न्याय ज्यादा जरूरी है, मेरी बात सुनाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आर्थिक न्याय के साथ सामाजिक न्याय आता है, इसलिए आर्थिक न्याय जरूरी है, क्या मेरी बात सुनवाई, तीसरा क्या लिखा हुआ है, राजनीतिक न्याय भी होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे राजनीतिक न्याय आगे आर्टिकल में, इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, किस तरह का स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 तरह की स्वतंत्रताएं हो गई, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना, और इसके अलावा प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 तरह की समानता, 2 तरह की समानता, समानता और समता में क्या अंतर, इक्वालिटी और इक्विटी इंग्लिश बोलते हैं, है ना, क्या डिफरेंस है, इक्वालिटी और इक्विटी, समानता और समता की चीजें,
नहीं बोला कोई बोल दो बोलो मिक्स बोलते नहीं बोलते सोचो इधर के टाइम जैसे सोचो सोचो सर क्या होता है समता क्या होता है अभी जो लिखा हुआ है वो भूल जाओ प्रतिष्ठा और अवसर लिखा है ना वो थोड़ी देर भूल जाओ केवल सोचो इक्विटी क्या होती है समता क्या होती है समता और समानता एक ही चीज़ होती है मैंने तुम्हें कई बार बता दिया और मैं अंतिम बार बता रहा हूँ कि अगर मैं अलग अलग शब्द बोल रहा हूँ तो निश्चित रूप से उनके मतलब अलग अलग मेरी बात सुनाई अगर दो समानार्थक एकदम समानार्थक शब्द होते तो दूसरे शब्द के आविष्कार की जरूरत ही नहीं पड़ती ये शब्द क्या है आविष्कृत चीजें क्या मेरी बात सुनाई क्या और कोई इस किसी क्या और कोई बजाय शब्द बोलती है कभी सुना है कौवा बोल रहा हो पिलाओ रोटी दो हाँ कोई बंदर पानी मांगता है मांगता होगा तुम लोगों से तुम लोग की भाषा मांग करता होगा मेरी बात सुनाई नहीं मांग करता होगा निका कि मांगता है कभी बिल्ली बोलती दूध पिलाओ चलो चाय निकालो चाय शाम के बाद हाँ बैठ लिया ऐसे बोलते बिल्ली ये सारे अविष्कृत शब्द क्यों हैं ताकि हम अपनी भावना की अभिव्यक्ति कर सकें शब्दों को अविष्कृत क्यों किया गया ताकि हमारी भावना प्रॉपर रूप से समझ रहा हूँ ना उसकी अभिव्यक्ति हो सके इसलिए शब्दों का आविष्कार किया गया अरे बोलो मेरी बात सुन रही है तो अब ये बताओ कि समता और समानता समान अभिव्यक्ति के शब्द नहीं है समान चीजें प्रदर्शित नहीं करते क्या अलग अलग होते हैं सोचते काफी हद तक सही क्या बोल रहे हो आज का बात नहीं ना बताओ क्या अंतर होता है समता समानता में तुम जो बोल रहा हो ना बात सही है अंतर सही बता रहे हो लेकिन हेडिंग गलत चूज कर ली मेरी बात समझ हेडिंग मतलब तुम मेल को फीमेल और फीमेल को मेल बता रहे हो मेरी बात समझ कि नहीं है समानता मतलब जहां पर इनपुट समान मेरी बात समझ तीन लोग आगे बैठे हैं मैंने तीनों को समानता से एक एक चाटे बांट दिए क्या मेरी बात समझ अब ये हो गई समानता बता रहा हूँ समझाया मान लो तीन छोटे बच्चे बैठे हैं लेट अस सपोज तीन छोटे बच्चे बैठे हैं घर के बच्चे बैठे हैं मैंने तीनों को एक एक चाटा मार दिया ठीक है ये हो गई समान रूप से बंटवारा क्योंकि मैं आया और मैंने कहा तीनों शुरू कर रहे हैं खुद आवाज आ रही थी खुद शुरू हो रहा था मैंने यहाँ तीनों बच्चे तीन कह रहा है मेरे पास भाई ये हो गई समानता लेकिन बाई चांस मेरी नजर पड़ी कि जो छटक्की वाला है वो ज्यादा कूद रहा बाकी जो सामने से बैठे हुए वो ज्यादा परेशान नहीं करते लेकिन जो छुटकू है वो ज्यादा एकदम आंखों बचा दिया नाक एकदम दम लग दिया क्या मेरी बात सुनाई तो अब समानता से काम लिया समता से काम लिया क्या तीनों को एक झापड़ लगाए या छुटकू को वहीं पर एकदम लपेट दो बोलो सही सी बात बोलो छोटे बड़े का ध्यान रखो जो ज्यादा बदमाशी कर रहा है उससे ज्यादा प्रसाद पाने का अरे बोलो नहीं जो ज्यादा बदमाशी कर रहा है ज्यादा प्रसाद पाने का हक नहीं है यही होती है समता मेरी बात समझ जहां पर आउटपुट ओरिएंटेड काम हो यानी कि सबको मैंने छोटू को दो चमक तमाचे लगा दिए सब बराबर हो और सब शार्ट तीनों के तीनों शार्ट बैठ रहे क्या मेरी बात समझ रहा है मेरी बात समझ तो समता यानी कि सबको समान बनाना समझो मेरी बात समता यानी कि सबको समान बनाना जबकि समानता यानी कि सबको समान बंटवारा करना क्या मेरी बात समझ आ गई ये अंतर है किसी के पास बेटा सपोज और छा देते किसी के पास 100 रुपए है किसी के पास 50 रुपए है अगर मैं दोनों को 50-50 दे दूंगा तो यह अंतर मेंटेन नहीं रहेगा बराबर नहीं रहेगा देखो मेरे पास 100 रुपए है बांटने के लिए एक के पास 50 रुपए एक के पास 100 रुपए मेरे पास में अब मैंने इसे भी 50 रुपए दे दिया इसके पास 100 हो गए लेकिन इसे भी 50 दिया इसके पास 150 हो गया दोनों का अंतर तो वही रह गया क्या मेरी बात समझ आ गई कोई दिक्कत तो नहीं है लेकिन अगर मैंने केवल इसे ही 50 रुपए लिया या इसे 75 रुपए लिया इसके पास 125 आया और बचा 25 इसे दे दिया तो दोनों 125 पे आ गए ये हो गई समता मेरी बात समझ समता यानी कि समान बनाना मेरी बात समझ और समानता यानी कि समानता यानी समान उसे बंटवारा अब अगर उस समानता की वजह से भी ये जो गैप है
मेरी बात नहीं, जो पक्षपात है ये दूर ना हो पाया तब क्या, मेरी बात समझ। इसीलिए हमारे यहाँ समानता की बात कम होती है, समता की बात ज्यादा हो। नहीं समझे बात, सबको गवर्नमेंट ने सबको दे दिया, 40 करोड़ लोग हैं, सबको बोल दिया 5 करोड़ राशन लेते जाओ। मोदी जी यहाँ कह रहे थे मेरे घर से लेते जाओ, लेकिन ले जाओ सब, ले जाओ 5 करोड़। सत्ता है समानता है, समानता है। क्योंकि मोदी जी ने अंबानी में और एक गरीब शिक्षक में कोई क्या नहीं किया, भेदभाव नहीं किया। नहीं समझे भाई, अरे बोलो मेरी बात सुनाई। लेकिन मोदी जी ने बोला कैसा है, अंबानी तो बहुत अमीर है, उसकी राजकुमार जैन से शादी भी कोई नहीं, क्या मेरी बात सुनाई, और अमीर कर दिया। नहीं समझे भाई, और तुम अभी नीचे हो काफी, मेरी बात सुनाई, तुम्हें मैं दे रहा हूँ 5 रुपये राशन ताकि तुम्हारे पेट में कुछ जाकर। अरे बोलो, तो ये समता हुआ समानता हुआ, समता हुआ। नहीं समझे बात, समझ आ गया, समता और समानता का डिफरेंस बहुत क्लियर होना चाहिए, क्लियर कट। समानता जो है वो इनपुट ओरिएंटेड कि समान रूप से दिया जा रहा है, और समता जो है वो आउटपुट ओरिएंटेड कि समान बनाया जा रहा है। नहीं समझे बात, अरे बोलो समझ आ गया। तीन तरह की स्वतंत्रता की हमने बात की, सॉरी तीन तरह की नागरिकों को चीजें लेने की बात की हमने, एक तो न्याय देने की बात की है, एक स्वतंत्रता देने की बात की है, और समता देने की बात की है। ठीक है, यानी कि हमारी प्रस्तावना नागरिकों को तीन चीज प्रोवाइड कर रही है। मेरी बात समझ आ रही है, कौन कौन सी तीन चीजें, न्याय, किस तरह का न्याय, न्याय भी तीन तरह का, स्वतंत्रता कितनी तरह की, 5 तरह की, और समता कितनी तरह की, 2 तरह की। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अरे बोलो, कोई परेशानी है इसमें, कहीं नोट करवा दो इसे, नोट कर लो इसे, जल्दी 5 ही 3 5 3 बनाया नोट करो सब जगह से, पढ़ लो 3 5 करते रह जाओगे, याद किया जाए। देखो प्रस्तावना के अनुसार भारत के, वैसे भी इसे नोट करवा रहे हैं, लेकिन छोड़ो, प्रस्तावना के अनुसार भारत को, भारत के भारत को लिख लो, भारत को, भारत को इंग्लिश में से गोल बोलते हैं, देखो तो भारत के 5 प्रमुख, या भारत को इन 5 प्रमुख, भारत को इन 5 प्रमुख मूल्य मूल्य प्रदान करने हैं। भारत को बनाना क्या है, इन द सेंस में क्या बोलने कोशिश कर रहा हूं कि भारत को क्या बनाना है, क्या बनाना है, 5 चीजें, क्या क्या, सो सो स्टेट डर, यानी कि सॉवरेन यानी कि संप्रभुता, ठीक है, फिर उसके बाद सो यानी कि सोशलिज्म यानी कि समाजवाद, उसके बाद सेकुलरिज्म यानी कि पंथनिरपेक्षता, फिर ड यानी कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, फिर रिपब्लिक गणराज्य। क्या मेरी बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, देखो इसे इसी ऑर्डर में लिखना, क्या क्या बना रहा है, संप्रभु डैश को संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक या लोकतंत्र और गणतंत्र साथ, जो लोकतंत्र कॉमा गणतंत्र, 5 चीजें करनी है भारत को कैसे बनाना है, ये 5 चीजें बनानी है, ठीक है, प्रस्तावना के अनुसार, ठीक। और नागरिकों को क्या प्राप्त है, नागरिकों को 3 चीजें प्राप्त है, ठीक है, क्या प्राप्त है, न्याय, कितने तरह के न्याय, 3 तरह के न्याय, स्वतंत्रता, कितने तरह की स्वतंत्रता, 5 तरह की स्वतंत्रता, किसके अनुसार, मैं कह रहा हूं संविधान के अनुसार नहीं बोल रहा हूं, किसके अनुसार, प्रस्तावना के अनुसार, और समता, कितने तरह की समता, 2 तरह की समता, नोट करो इस बात को, नोट करो, 3 तरह के न्याय को नागरिकों के लिए प्रस्तावना में, नागरिकों के लिए प्रस्तावना में,
नागरिकों के लिए प्रस्तावना द्वारा लिखो, प्रस्तावना द्वारा तीन चीजें सुनिश्चित की गई है। पहला इसको के न्याय, तीन तरह के न्याय सुनिश्चित की गई है। इसके बाद वो कौन कौन सी चीजें, पहले इसको के एक पॉइंट आता न्याय, ठीक है, तीन चीजें सुनिश्चित की है ना, उसमें पहला पॉइंट हो गया न्याय। न्याय कितने तरह का, तीन तरह का, देखो न्याय तीन तरह के न्याय लिखोगे, जैसे सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसका ऑर्डर इसका क्रम सबसे जरूरी है, पहले आर्थिक मत लिख लेना, पहले राजनीतिक मत लिखना, यही इसी क्रम में लिखना, सामाजिक फिर आर्थिक फिर राजनीतिक। दूसरा नोट करोगे स्वतंत्रता, कितने तरह की स्वतंत्रता, पांच तरह की, वेरी गुड। किसके द्वारा, संविधान द्वारा या प्रस्तावना द्वारा, प्रस्तावना द्वारा। देखो विचार स्वतंत्रता कौन कौन सी है, देखो पहला लिखा ना न्याय, न्याय की तरह लिखिए। अब सेकंड लिखो बी, बी में लिखोगे स्वतंत्रता, पांच तरह की स्वतंत्रता कौन कौन सी है, देखो विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म, विश्वास धर्म और उपासना, विश्वास धर्म और उपासना, ठीक है। और तीसरी चीज क्या देखी जा रही है, समता, ठीक है, देखो जो समता, समता का अधिकार लिख लो, समता लिख लो सीधे, कौन कौन सा, प्रतिष्ठा और अवसर, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर, ठीक है। अवसर यानी कि सबको समान तरह के अवसर मिले, मेरी बात सुन रही, एक ही तरह के अवसर में समान तरह के मिलने का मतलब यहाँ समता वाले कॉन्सेप्ट से है, क्या मेरी बात सुन रही, यानी जिन्हें अब तक अवसर प्राप्त नहीं हुए हैं उन्हें भी अवसर मिले, क्या समझ आ रहा है, कौन सा प्रावधान आ रहा है, आरक्षण का प्रावधान आ रहा है ना, यानी जिन्हें अभी तक अवसर प्राप्त नहीं हुए हैं, जो अभी तक समाज की मुख्यधारा में नहीं जोड़े गए हैं उनके पास भी अवसर की समानता देने के लिए समता दी जा रही है, अवसर की समता है, समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। और प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा क्या होती है, इक्वल स्टेटस सोसाइटी में, स्टेटस समझो है ना, एक चीज मैंने आपको जल्दी, सोशल स्टेटस किस पर डिपेंड करता है, अपनी आर्थिक, यहाँ भारतीय समाज के अनुसार है ना, कई बार देखते हैं, हालांकि और भी फैक्टर्स होते हैं है ना, लेकिन नॉर्मल एक बड़ा फैक्टर होता है आर्थिक, क्या मेरी बात समझ आई, ठीक है। तो अगर एक समता में विश्वास, विश्वास है नहीं कि भाई आपको विश्वास की चीज पर किस तरह, कहीं ना कहीं थोड़ा धर्म से रिलेटेड है, मेरी बात समझ, विश्वास है कि आपकी चीजों पर कितने पूरे विश्वास करते हैं, वो आपकी स्वतंत्रता है, आपको आपके विश्वास से अलग करने का काम कभी भी देश की सरकार या संविधान नहीं करेगा, मेरी बात उस तरह के विश्वास की स्वतंत्रता है। और हम अपने देश में ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी कि क्या किसी राजा की डिमांड कर सकते हैं और हमें कुछ नहीं होगा, ये हमारा विश्वास है, लेट अस सपोज मेरा विश्वास है कि एक राजा आ जाए और सबको सही करेगा, है ना, मैं चंद्र कुमार के आने की समझ आओ ना, भारत सरकार से राजा था दोबारा चंद्र कुमार का राज्य स्थापित हो, है ना, और सबको सही हो जाए, मारे पीटे और सबको सही हो जाए, ठीक है, दो चार लोगों को पास ही जो दुष्ट लोग हैं, क्या मेरी बात सुनाई, लेकिन यह मेरा विश्वास है, यह लोकतंत्र की धारणा के खिलाफ है, या अगर मैं किसी राजा की कामना कर रहा हूँ, समझो मेरी बात ने जो बोला, या अगर जो मैं बात बोल रहा हूँ यह लोकतंत्र की धारणा के खिलाफ नहीं है, काफी खिलाफ है, मैं राजा की बात कर रहा हूँ, मैं देश में से लोकतंत्र जाने की बात कर रहा हूँ, लोकतंत्र की धारणा के खिलाफ है, लेकिन मेरे इस अधिकार, मेरे विश्वास के प्रति जो मेरा अधिकार है, इसकी मैं रक्षा कौन कर रहा है, वही लोकतंत्र कर रहा है, मेरी बात समझ नहीं समझ पाए बात, समझ गया ना, इस विश्वास का आधार भी जहां मैं लोकतंत्र की भी निंदा कर सकूं, यह अधिकार भी मुझे कौन दे रहा है, लोकतंत्र ही दे रहा है, नहीं समझे बात, अरे बोलो, समझ आ गया, इतना लिख लिया तो समझ नहीं पाता, तो बोलते नहीं मुझे, एक लास्ट वाला लिख रहा, अच्छा और हमें क्या करना है, दो ऑब्जेक्टिव और लिखे हुए हैं लास्ट में, देखो
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। क्या एकता और अखंडता एक ही चीज है? क्या एकता और अखंडता एक ही मतलब होता है? अगर अलग अलग नहीं होता तो रिपीट करते हो बेवकूफ है, एक ही बात दस बार बोलेंगे। अरे बोलो पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे पास में हमारी तरह नहीं है, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग बहुत रिसर्च किया हुआ है। एकता और अखंडता जोड़ा हुआ है, यानी कि एकता और अखंडता के अलग अलग मतलब। अरे तो बताओ मतलब क्या होता है? एकता मतलब यूनिटी और अखंडता मतलब इंटीग्रिटी। इंग्लिश ट्रांसलेशन इसमें मतलब क्या है? काफी सही बता रहे हैं, वेरी गुड। और बताया करेगा, बहुत सही बताया है। नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ मतभेद तो हमारे तो होता ही रहता। मतभेद ही होगा क्या? अरे बोलो बोलो तो फिर सर, ये सर बात से। और सर एकता जो है भारत के नागरिकों के लिए बोली जा रही है, अखंडता भारत देश के लिए बोली जा रही है। अखंड ये भी काफी सही है ना, भारत के नागरिकों के लिए एकता की मांग की जा रही है, बात सही है। थोड़ा सा और डिटेल आते हैं। अखंडता यानी अखंडता तभी आती है जब बाह्य या आंतरिक शक्तियों के दबाव में देश खंडित होने के कगार पे हो, वहां एक कॉन्सेप्ट में आता है अखंडता। मेरी बात में अखंडता यानी कि अगर बाहरी शक्तियां भी या अंदरूनी शक्तियां भी अगर ताकत लगा रही होंगी तब भी किसी भी हाल में देश को खंडित नहीं होना है। देश में अलग अलग लोग मतभेद भी होंगे, देश में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग विचार, अलग अलग व्यवहार, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग नस्ल, अलग अलग रंग, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियां के लोग हैं। कितना अलग बता दिया, कई सारे तरह के अलग अलग लोग हैं। नहीं अरे बोलो तो क्या मेरे के मध्य होगा टोटल? अरे ये देखो ना, जो दो पार्टीज, जो मुख्य पार्टीज है राजनीतिक विश्वास वाले लोग, एक कांग्रेस के और एक बीजेपी के, है ना। डिस्ट्रिक्ट लगता है जहाँ के प्यास खून के एकदम दुश्मन। मेरे पास में डिस्ट्रिक्ट ऐसे लग रहा है कि क्या क्या नहीं करने की। मेरे पास अगर बस चलेगा तो न्यूक्लियर बम से उड़ाने की कसरे करते, भले ही घर के बगल में रहते हैं खुद भी। मेरे पास क्या ये नहीं, ठीक है, देखते ही हो तो मतभेद नहीं हो क्या? हमें मतभेद भी करने का अधिकार है, हमें वो अधिकार भी कौन देता है? संविधान देता है। मेरी बात में हमें मतभेद भी करने का अधिकार है, और वो अधिकार भी कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? तो मतभेद तो होगा ही, लेकिन किसी भी अंदरूनी शक्ति या बाह्य शक्ति के हस्तक्षेप की वजह से या उसके दबाव की वजह से देश किसी भी हाल में विखंडित नहीं होना चाहिए। देश का कोई राज्य, देश का कोई भी हिस्सा किसी भी हाल में विखंडित नहीं होना चाहिए। देश में एक भावनात्मक एकता, अखंडता क्या बोलते हैं, भावनात्मक एकता, यानी कि भावनात्मक रूप से देश एक हो। मेरी बात समझ? उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं अखंडता। अखंडता ज्यादा डीपर है, क्योंकि अखंडता का कॉन्सेप्ट तब आता है जब देश में बाह्य शक्तियां, अंदरूनी शक्तियां लग रही हो और फिर भी देश को किसी भी हाल में खंडित नहीं होना। क्या मेरी बात समझ? देश भावों से डर है, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, लेकिन उनके अंदर एक भावना है कि हम एक ही देश का हिस्सा है। मेरी बात समझ? हमें एक ही संविधान द्वारा गवर्न किया जाएगा, हमारे ऊपर एक ही नियम और कानून लगेंगे। नहीं बात समझ? चाहे कितने भी अंतर हो केरल के और जम्मू कश्मीर के लोगों में, चाहे कितने भी अंतर हो गुजरात और पंजाब के लोगों में, पंजाब और बंगाल के लोगों में, अंतर है कि नहीं है? है ना। हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर सत्य बताता हूँ, हमारे यहाँ रेट भी हो रहा है, कल बताऊंगा, कल याद रखना, ठीक है। कितना नोट कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। कल इस बारे में बात होगी, हो चुका है लगभग। एकता और अखंडता समझ में आ गया कि एकता और अखंडता समान भावना को प्रदर्शित नहीं करते, अलग अलग भावना को प्रदर्शित करते हैं। एकता जस्ट वननेस है कि हम एक हैं, लेकिन अखंडता उससे कहीं ज्यादा है। भावनात्मक एकता की बात हो रही है कि किसी भी दबाव के, किसी भी बाह्य या किसी भी अंदरूनी दबाव के अंदर भी हम खंडित खंडित ना नहीं हो। नहीं समझ आए आ गया? अरे बोलो, इसे नोट कर ले, लिखो जिसे मैं चाहूँ तो लोग इसे नोट कर दूँ, बढ़ा करके जाऊँ, ये पूरा यहाँ तक नोट करोगे,
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा उन सब में व्यक्ति की एकता और राष्ट्र की व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तीनों वर्ड याद रखना है, ठीक है, अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। कल इसके बारे में बात करेंगे। तो दोनों क्लास कितने बजे तक? मॉर्निंग में से ही बोला, मॉर्निंग में करेंगे। मस्ती करें, तैयारी करनी तो झुक झुक नहीं दोस्तों। सर कितने बजे? हम तो बात ही कराएंगे। सुनो कितने बजे आना है?